बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 की रेनबो किताब का पहला चैप्टर, पहला लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है थैंक यू गॉड। गॉड हम लोग भगवान को कहते हैं और थैंक यू का मतलब तुम लोग जानते ही हो। जब हम लोग किसी को धन्यवाद देते हैं तो थैंक यू बोलते हैं। इस लेसन में बच्चे जो हैं गॉड को थैंक यू बोल रहे हैं। क्यों थैंक यू बोल रहे हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो पहली लाइन से शुरू करते हैं बच्चों। लिखा हुआ है, फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल। बिग का मतलब होता है बड़ा और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। फॉर ऑल द थिंग्स, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, अराउंड अस मतलब हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं, चाहे वो बड़ी हैं या फिर छोटी हैं। फॉर ऑल द क्रिएचर्स, क्रिएचर्स का मतलब होता है जीव जंतु। हमारे चारों तरफ जो भी जीव जंतु हैं ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु हैं, शॉर्ट एंड टॉल, चाहे वो शॉर्ट हो, शॉर्ट मतलब छोटा और टॉल मतलब बड़ा, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, इसके लिए ये बच्चे भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। अब हम तीसरी लाइन के तरफ बढ़ेंगे। फॉर द लवली ब्लू स्काई, ब्लू स्काई, ब्लू का मतलब नीला, स्काई का मतलब आसमान। फॉर द लवली ब्लू स्काई, लवली मतलब प्यारा, और किसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं बच्चे, जो प्यारा नीला आसमान है, द सन सूरज के लिए, द मून एंड ऑल चंद्रमा के लिए, और बाकी सभी चीजों के लिए बच्चे भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। आल माइटी गॉड, आल माइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, मतलब जो बहुत बलशाली हो। तो भगवान बहुत बलशाली हैं, तो इसीलिए बच्चे भगवान को आलमाइटी गॉड कह रहे हैं। और वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल, और हम आपको बहुत सारा थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है बच्चे, भगवान को बहुत ढेर सारा थैंक यू कह रहे हैं। ठीक, अब हम लोग तीसरे स्टेंजा के तरफ बढ़ेंगे। तीसरे स्टेंजा में है, ब्लेस ईच वन ऑफ अस। ब्लेस, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, यानी कि हम पर कृपा बनाए रखिए। ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम सभी पर आप अपनी कृपा बनाए रखिए। यो नेम एज वी प्रे, जैसे हम आपका नाम लेते हैं वैसे ही आप हम लोगों पर कृपा अपनी बनाए रखिए, हमको आशीर्वाद देते रहिए, ब्लेस करते रहिए। गिव अस लव, हमको प्यार दें। काइंडनेस, हमको दयालुता दें। एंड करेज डे बाय डे, और करेज मतलब साहस, बच्चे खुद के लिए साहस मांग रहे हैं। डे बाय डे यानी कि हर दिन आप हमको प्यार दें, हमको दयालुता दें और करेज दें। अब अगले स्टेंजा पर बढ़ेंगे। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मोनी वेयर वी स्टे। वेयर वी स्टे का मतलब जहां हम रहते हैं। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मोनी, पीस का मतलब शांति और हार्मोनी का मतलब सामंजस्य। जहां भी हम लोग रहें वहां हम लोग शांति और सामंजस्य या तालमेल के साथ रहें। गिव अस स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम वॉट मे, गिव अस स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम वॉट मे। गिव अस स्ट्रेंथ, गिव का मतलब दीजिए, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। टू सर्व यू, सर्व का मतलब होता है सेवा करने के लिए। कम वॉट में, कम वॉट में का मतलब कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में, मतलब हे भगवान हमको इतनी शक्ति दीजिए, इतनी ताकत दीजिए कि हम लोग हर स्थिति में आपकी सेवा कर सकें। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आखिरी दो लाइन के तरफ बढ़ेंगे। बी विद अस ओ गॉड, बी विद अस ओ गॉड, बी विद अस का मतलब हमारे साथ रहें हे भगवान। इन वॉट वी से एंड डू, हम कुछ भी करें या कुछ भी कहें आप हमेशा हमारे साथ रहें, मतलब कहने का कि भगवान से बच्चे कह रहे हैं कि हमारी किसी भी स्थिति में आप हमारे साथ ही रहें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करें, दिस प्रेयर का मतलब यह प्रार्थना, ये प्रार्थना प्लीज आप स्वीकार करें
ओ गॉड, हे भगवान, वी बो डाउन टू यू, हम आपके सामने झुकते हैं या आपका नमन करते हैं। तो बच्चों, ये कक्षा 7 के रेनबो का पहला लेसन था, थैंक यू गॉड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इस लेसन को हम अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। और ये जो ग्रीन कलर में, हरे कलर में नीचे जो वर्ड और मीनिंग लिखे हुए हैं, इनको हम लोग अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। ये वीडियो अगर आप टीचर हैं, देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने स्टूडेंट्स को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। और मास्टर मंत्रा चैनल पर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।